Welcome to the fourth episode of Hey, We Need to Talk. Last month, amid heavy opposition, the Indian Parliament passed three new laws to regulate the agrarian sector in the country. And these three laws have drawn extensive opposition, not just from within the Parliament, but also outside, as farmers have been agitating on the streets across the country, in different parts of the country, against certain provisions of the bill. Many of the protests, in fact, most of the protests are concentrated in the northern belt, particularly the states of Haryana, Punjab, and western Uttar Pradesh. The bill does a lot of things. It goes for a kind of a structural overhaul of the entire mandi system or the APNC system where farmers sell their produce in certain farmer markets. So what it essentially does, it takes away power from the state governments to regulate the mandi system and then vests that power in the central government. What it also does is actually build a framework for greater participation of private players and corporate entities in the entire agrarian market, something that's making small farmers very anxious about the future. But these are just two issues that the farmers, agitating farmers on the streets are talking about. In fact, there's a whole gamut of issues surrounding these three new legislations. So to better understand what the farmers on the ground think about these three new laws and how they're going to affect the farmers, whether they'll be able to sell their produce at the right prices, whether they'll be able to survive in a market which is dominated by private players. So to understand these things better, today I have with me Devinder Singh Sekhon, who's a farmer himself in Punjab, and is also directly involved in the Shambhu Morcha protests, which is one of the main protest sites currently in Punjab. Welcome to the show, Devinder ji. Sashikal, Anjuman ji, or आपके सभी लिसनर्स को भी मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। देविंदर जी, आई स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। व्हाट आर द कोर इश्यूज सराउंडिंग दिस बिल्स? क्या है इन तीन लॉज में जिनके कारण इतने सारे किसान सड़क पे आ चुके हैं? तो जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं, अब तो ये बिल बन गए हैं। पंजाब में फार्मर्स को प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें सबसे जो बड़ा डर है जो फार्मर्स को लगता है, क्योंकि जब से पिछले लगभग 50 इयर्स और इससे भी ज़्यादा समय से जब पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उस समय आप देखें कि भारत को, देश को खाने के अनाज की बहुत कमी थी। तब से ही पंजाब और हरियाणा की मैं रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा भी मेरे साथ में रहता है। तो तभी से हमारे फार्मर्स ने, हमने बहुत मेहनत की है, हमने उससे अनाज पैदा किया है, पंजाब भारत मुल्क को सेल्फ सफिशिएंट किया है फूड ग्रेन में, और उसका हमें साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं, हमें खामियाना भी भुगतना पड़ा है। अब पंजाब का आप देखें, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। इसके साथ ही इंटेंसिवली यूज़ हुई हैं पेस्टिसाइड्स, एक्सटेंसिवली यूज़ हुई हैं, जिससे हमारी एनवायरनमेंट और हेल्थ को भी असर हुआ है। आपको मालूम होगा कि पंजाब के मालवा रीजन में बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं। तो एक ट्रेन जाती है बीकानेर, जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल था, वो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया था। अब पंजाब में भी बहुत कैंसर हॉस्पिटल्स खुले हैं। तो अब इस पॉइंट पे आकर जब ये बिल्स आए हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्राइवेट परचेजर्स को सारा कुछ दे रहे हैं, तो एक बिट्रेयल सा महसूस हो रहा है फार्मर्स को, पंजाब के को, कि हमने इतना काम किया है। अब सरकार, जब हमारी जो MSP है, सबसे पहला जो लग रहा है पॉइंट वो ये है कि हमारी MSP से विड्रॉ कर रही है गवर्नमेंट। तो एक तो ये है, इसके साथ ही दूसरा इश्यूज हैं जो मोर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू है, जो हमारा ओवर सेंट्रलाइजेशन चल रहा है जब से मोदी सरकार आई है। इससे पहले से भी ये कंटिन्यू ही है, 47 के बाद से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तभी से है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है वो सेंट्रलाइजेशन में। तो दूसरा जो डर है वो है कि हमारे जो स्टेट रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट ने एक्ट में APMC, हमारी जो मंडीज हैं, मंडीज़ को ख़त्म करने की, पैरेलल मंडीज खोलने की बात की है, ख़त्म करने की तो नहीं की, कि प्राइवेट प्लेयर्स पैरेलल मंडीज खोल सकेंगे और उन पे वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो मंडी खोलेंगे और
कुछ समय में हो पंजाब में, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतर मंडी बोर्ड का सिस्टम है। हमारे यहाँ लगभग 5-6 किलोमीटर में मंडीज आ जाती हैं। दो किस्म की मंडी हैं, एक पक्की मंडी बोलते हैं जो हमारे छोटे टाउन्स हैं, मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो छोटे शहर हैं फिरोजपुर है, फरीदकोट है, और साथ में छोटे टाउन्स हैं जैसे मुद्दकी है, तलवंडी बाई है, यहाँ पे मंडीज हैं जिनको पक्की मंडी बोलते हैं, उसमें सारा साल खरीद चलती है। और उसके साथ ही हमारे गांव में 3-4 किलोमीटर के बाद एक कच्ची मंडी बोलते हैं जो सीजनल होती है, जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है तो वो सीजनल फूड ग्रेन लगभग उन मंडियों में जाता है जो कणक और पैडी और राइस है। तो दूसरा डर ये है कि कुछ समय में ये मंडी नेटवर्क हमारा डिसमेंटल हो जाएगा। पहले पहले तो हो सकता है कि कॉरपोरेट हमसे बेहतर खरीदे, बेहतर भाव दे, पर बाद में सभी को ये है कि जब ये डिसमेंटल हो जाएगा जो हमारा मंडी सिस्टम है, और उसके साथ ही मंडी बोर्ड से जो हमारी सड़कें बनती हैं गाँव में, बहुत बढ़िया नेटवर्क है पंजाब में, कभी भी आप पंजाब में आओ तो हमारे हाईवे तो अब तो टोल रोड्स बने हैं, जब टोल रोड्स नहीं थे तो हाईवे तो बहुत बार होता था कि टूटे हुए हैं, लेकिन हमारी मंडी बोर्ड वाली सड़कें गाँव वाली तकरीबन प्रॉपरली मेंटेन्ड होती थी। तो एक ये भी इशू है कि हमारा वो जब सिस्टम डिसमेंटल होगा तो उसके बाद सिर्फ हम कॉरपोरेट पर रह जाएंगे, तो वो कॉरपोरेट तो लूट करेगा। इसका जो एग्जांपल हम सभी फार्मर्स जो हम सोचते हैं कि जो मैं कहूँगा कि जियो इफेक्ट, जो जैसे जियो रिलायंस का आया है, रिलायंस के जियो ने कुछ देर तो फ्री दिया और उसके बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आप देखेंगे कि अकेला लगभग एयरटेल अभी कुछ इनके सामने अड़ा हुआ है, बाकी तो टोटली ही जितने थे प्लेयर्स वो उन्होंने बाहर निकाल दिए हैं, वो रेट भी अपना बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, अब मोनोपोली हो जाएगी तो तब पता चलेगा भी कौन सी। तो इसी बात का हमें पंजाब में सभी को डर है। और एक जो सबसे सीधी बात है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें प्रोविजन है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट हैं वो लीज पे ले सकते हैं, और इसमें अकेला लीज का नहीं है, लीज के साथ लैंड लीज के साथ है, उन्होंने ये भी छोड़ दी है कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, जो लैंड वो लीज पर लेंगे उसमें कोई इंडस्ट्री लगानी है जहाँ उन्होंने कोई शेड बनाने हैं, वो उसको भी अलाउ किया हुआ है। तो लगभग जो सबसे बड़ा डर है तो वो ये है हमारे हर फार्मर्स के ध्यान में कि मोदी जी के थ्रू जो कॉरपोरेट है, खासकर रिलायंस और अडानी, वो हमसे हमारी जमीन खरीद लेंगे। सबसे बड़ा एक बच्चे बच्चे के दिमाग में ये है कि हमारी जमीन खरीद नहीं लेंगे, लगभग ये है कि वो छीन ही लेंगे, कि वो खरीदेंगे तो सही लेकिन वो क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है तो वो एक सामने खरीद लेंगे। जी, देवेंद्र जी, एक ये आर्गुमेंट भी दिया जा रहा है, अभी आपके आपने इसके बारे में बात करी है कि जो ये बिल्स जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम लाएगी तो उससे ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, उससे ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे एंड द फार्मर्स द स्मॉल फार्मर्स वुड नॉट बी एबल टू विदस्टैंड दैट। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ज़्यादा कॉर्पोरेट प्लेयर्स आ जाएंगे, ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट और प्राइवेट एंटिटीज़ की एंट्री होगी तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और कैपिटल आएगा मार्केट में, तो ये सारे फार्मर्स के लिए ही अच्छा होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? विल ग्रेटर कॉर्पोरेटाइजेशन एक्चुअली बेनिफिट द फार्मर्स? जी, जो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट्स की बात आती है तो हमारा जो पुराने तजर्बे रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आज से 5-7 साल पहले फाजिल का और बोहर के एरिए में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी, बासमती की हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़ा साथ दिया था, उनको लगता था कि ये स्विच ऑन हो जाए पैडी से बासमती की तरफ तो वाटर कंजम्पशन पर भी असर पड़ेगा, कम होगी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी लगेगी। तो हुआ क्या, जब वो तब KBRL और शायद एस्कॉर्ट्स ने दो
कॉरपोरेट फर्म्स ने किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो बाद में क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट फॉल कर गए तो वो दोनों ही विड्रॉ कर गए। तो ऐसा ही एक गवर्नमेंट ने ही एक शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, किन्नू के बाग लगाए थे, वो भी जब प्राइसेस फॉल कर गई तो वो भी विड्रॉ कर गए। तो इसका कोई हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जो पीछे रहा है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो स्टेट्स हैं जैसे बिहार है और ईस्टर्न यूपी है, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी वाला नहीं है, मंडीज नहीं है, पीएमसी नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ पे ये ट्राई कर लें, वहाँ पे ये कॉरपोरेट मॉडल लाएं। तो और इसके साथ ही पंजाब में क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब में डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, जो वेस्ट में भी है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो जब ये मॉडल की बात हुई, जब ये बिल्स बने हैं, जब ये आए थे, तो तभी से वहाँ पर भी हमारा बात होती है, उधर से भी होती है। तो वहाँ पे उन्होंने देख बता रहे हैं कि ये कॉरपोरेट मॉडल ने कैसे जो फार्मर्स थे उनसे लैंड ग्रैब कर ली है। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बता रहे थे क्या कि मेरे कज़न हैं ऑस्ट्रेलिया में एक, वो बता रहे थे कि जो अंगूर में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या करता है, वो एक तय कर देता है, यहाँ पे पोटैटो में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो यील्ड तय कर लेते हैं, अभी एक एकड़ से मान लो उन्होंने 50 क्विंटल ही लेना है, माल लेना है, तो होता क्या है, अगर तो रेट तेज है तो आपके जड़ी 50 से ज़्यादा हो गया वो भी खरीद लेते हैं, और अगर उससे कम हो गया रेट तो वो विड्रॉ कर जाते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें फार्मर्स को आएगी, मैं आपको बताऊं कि हमें लिखने और पढ़ने की कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आदत ही नहीं है। आदत के साथ साथ क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट बन जाता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो एक फार्मर जो आम फार्मर्स है वो उसकी वर्डिंग जो लीगल होती है वो वर्डिंग में बहुत कुछ हो सकता है, फार्मर्स की समझ से ज़्यादा है, उसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि बाद में वो किधर जाएगा। वो इसके साथ ही इन्होंने ये किया है कि ये एसडीएम तक आप जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में भी आम आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब में मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर लैंड होल्डिंग 5-7 एकड़ के बीच में है, तो वो फार्मर की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जाके कोर्ट में चला जाए या बड़ी फार्म के साथ कोई टक्कर ले सके। तो ये तो क्लियर है कि जब कॉरपोरेट्स आएंगे तो कुछ देर में वो हो हमारे जो फार्म हैं उन पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल वर्ल्ड ओवर यही हुआ है, वो पंजाब तो कॉरपोरेट ने ऐसे ही किया है, तो पंजाब में कैसे या भारत में कैसे इससे डिफरेंट हो सकता है। तो हमें ये तो क्लियर है जी कि कॉरपोरेट हमारा नुकसान ही करेंगे। देवेंद्र जी, आप खुद पंजाब में फार्मर हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में ये जो पूरा मंडी सिस्टम है और जो एमएसपी सिस्टम है, तो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों सिस्टम्स के साथ? मंडी सिस्टम में पंजाब में ये है कि दो क्रॉप्स की गवर्नमेंट परचेज आती है और कभी कभी कॉटन की भी आ जाती है। तो मंडी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे मंडी सिस्टम बहुत बढ़िया बना हुआ है, लिंक रोड्स बने हुए हैं और मंडी बहुत 5-6 किलोमीटर में मंडी आ जाती है, किसान को कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो क्या हुआ है, इससे एक तो इनकम हमारी स्टेबलाइज रही है, हम जो क्रॉप मोस्टली बीजते हैं कणक और पैड़ी और वीट, तो श्योर होता है कि इसकी इतनी प्राइस तो मिल जाएगी, तो फार्मर की इनकम श्योर रही है। और इसके साथ ही जो इसमें हम जो मैं स्पेसिफिक मंडी में बारे में बात करूं कि मंडी में सिस्टम के बारे में बताऊं, तो ये होता है कि वहाँ पे एक आड़तिया होता है जो हमारे मोदी जी तो उनको मिडलमैन और काफ़ी कुछ बुरा बोल रहे हैं, ये बिचौलिए बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो क्या है, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे। और
वो हमारा परचेजर के साथ एक रिलेशन बनाते हैं सेंटर में। परचेजर उनको आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परचेजर से वो 2.5% चार्ज करते हैं इस फैसिलिटीज़ का, तो फार्मर से कोई चार्ज नहीं होता। हमारी जो MSP पर हम जब वहाँ लेकर जाते हैं तो वो जो आड़ती है वो इसके साथ ही उसको सफाई करने का, जो उसको वीट को और राइस को उसको हम बोलते हैं पखा लगाना, झार लगाना कह सकते हैं आप, वो अरेंज करता है, लेबर अरेंज करता है वो बैग्स में। जब इसमें फार्मर्स की जिम्मेवारी तब तक होती है जब तक वो उसको तोल कर बैग्स में भर दे। जब बैग्स में भर गए तो हम, मैंने पर्ची लेके आ जानी है, मेरी तो वेट हो गया, तो उसके आगे उसको गडाउन्स में पहुँचाने की, कहीं भी पहुँचाने की, वो आड़ती की जिम्मेवारी होती है। तो बढ़िया सिस्टम है जी ये। इसमें ये तो मैं उस बात कर रहा हूँ जिसकी MSP है, जिसकी नहीं MSP है, जैसे बासमती है जहाँ और कुछ क्रॉप्स हैं। तो ओपन मंडी में क्या होता है, वहाँ पे बोली होती है ओपन में, वहाँ पे भी परचेजर जो भी हैं जिसने खरीदना होता है वो आते हैं, वो ढेरी बना कर रखते हैं, उस पर बोली लगती है। तो जो ये हम देखें कि और इससे बोली वाला जो सिस्टम होता है, ये तो हर एक जगह, इससे बेटर सिस्टम तो कोई है नहीं ना, जो आप सभी की वीट पड़ी है जहाँ बासमती पड़ी है तो वो परचेजर सभी 5-6 परचेजर आते हैं, देखते हैं जिसको रेट ठीक लगता है। काफ़ी हद तक ही ठीक सिस्टम है, पर जो प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ वीट राइस पे है। पंजाब में जो हमें इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो ये है कि हम डिवर्सीफाई करने की बात होती है, डिवर्सीफाई पंजाब का फार्मर करे, कर भी ले, लेकिन ये सिर्फ MSP 2 पर मिलती है। अगर सभी पर मिले तो वो जो इशू बनाया जाता है कि पंजाब में डिवर्सीफाई क्यों नहीं होता, तो वो फार्मर डिवर्सीफाई भी हो जाए। इसके बेनिफिट्स तो हैं ही, तो पेमेंट की इश्योरेंस है, कोई भी परचेज करके ले जाए वहाँ से, तो मैंने तो RTA से पेमेंट ले लेनी है। तो ये कुल मिला के सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है, और ये यहाँ पे कुदरती इवॉल्व हुआ है ओवर द 100 ईयर्स और बैक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मार्केट कमेटीज़ को शायद आपको मालूम हो, जब 27 के बाद वोटिंग राइट्स मिले थे और हमारे पंजाब में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसमें सर छोटू राम की बहुत अहम भूमिका रही है तब, तो तब से उन्होंने ये मंडी सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था, मार्केट कमेटी उन्होंने बनाई थी, और ये बहुत इवॉल्व हुआ है। तो बेनिफिट्स हैं जी इसके। जी जी देवेंद्र जी, आप जैसे शंभू मोर्चा के साथ जुड़े हुए, तो आप बिल्कुल ग्राउंड पे आप देख रहे प्रोटेस्टर्स कैसे मोबिलाइज कर रहे, किस तरीके के डिमांड्स कर रहे और कैसे कैसे स्ट्रेटजीज अपना रहे। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि व्हाट इज द ग्रैंड स्ट्रेटजी और द ग्रैंड विजन दैट द प्रोटेस्टर्स हैव राइट नाउ, एंड हाउ डू दे प्लान टू मूव अहेड। वो कैसे अपना धरना जारी रखना चाहते हैं और कैसे अपना विरोध जताने चाहते हैं, और ये कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा आपके हिसाब से? जी, तो हुआ क्या था, जब सभी किसान यूनियंस ने 25 तारीख को, पिछली 25 को पंजाब बंद की कॉल दी थी, तो तब हमारे कुछ आर्टिस्ट में सिंगर्स ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और सोशल वर्कर्स ने शाम को क्या हुआ, शंभू पहुंचने की कॉल दी। तो वो सोशल मीडिया पर ही कॉल थी, उसमें कोई, मैं कहूँगा कि कोई जत्थेबंदी नहीं थी, जत्थेबंदक ढांचा नहीं था आप कहें तो, उसके बावजूद भी तो 25 तारीख को बहुत बड़ा इकट्ठ हो गया था शंभू पे। तो वहाँ पे जो बात चली वो थी कि जैसे जो फार्म यूनियंस हमारी जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, किसान यूनियंस प्रोटेस्ट कर रही हैं, या दूसरी मजदूर और आड़ती यूनियन प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनका लगभग इशू है कि जो बिल्स हैं वो कैंसिल हो जाएं और जो पुराना स्टेटस को बहाल हो जाए जैसे पहले सिस्टम चलता था। लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन उठे हैं कि, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुराने सिस्टम के चलते समय भी फार्मर्स की हालत ख़राब हो रही है, फार्मर सुसाइड कंटिन्यूली हो रहे हैं आप देखें उस सिस्टम में भी, और फार्मर्स लैंडलेस भी हो रहे हैं, लगभग 5 लाख फार्मर हमारा लैंडलेस हो चुका है अब तक। तो वहाँ पे था कि इससे बियॉन्ड भी बात करें, तो वहाँ पे जो
इसके साथ ही जो थॉट अमर्ज होकर आई तब कि क्योंकि पंजाब के जो स्टेट के फैसले हैं, जैसे हमारी प्राइस का मसला होता है हर बार एमएसपी का जब आती है तो उसका भी मसला उठता है कि एमएसपी कितनी हो, तो वो सेंटर से एमएसपी तय हो जाती है, पंजाब के पास उसकी नुमाइंदगी नहीं है, उसको पूछा नहीं जाता भी आपका कितना खर्चा होता है, आपको कितनी एमएसपी चाहिए, तो वहाँ पे फेडरलिज्म की बात शुरू हुई। और इसका आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1972 में जो हमारा अकाली दल थी, जो पंजाब की रीजनल पार्टी थी, बहुत स्ट्रांगली वो फेडरलिज्म की वकालत करती थी और आनंदपुर साहिब का मथा था वो टोटली, वो उसको धार्मिक मंगे तो बहुत थोड़ी थी उसमें, तो वो स्टेट्स की फेडरलिज्म की बात थी, लेकिन हमारा जो पार्टी थी अकाली दल धीरे धीरे वो एक परिवार के पास आ गई और वो कुछ समझौते कर गए तो वो वहाँ से विड्रॉ कर गई। अब वो वहाँ पे वो उसकी बात चली है, तो ये मोर्चा क्या हुआ 4 तारीख को, जो हमारे दीप सिद्धू हैं वो एक्टर हैं, एक मूवी आई थी जोरा 10 नंबरिया फेम के, उन्होंने कहा कि हमें एक इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं ये फार्म बिल से पहले कि उसके बियॉन्ड सोचना चाहिए, तो वो वहाँ पे बैठे और उसके साथ और कुछ इंटेलेक्चुअल और यूथ भी चला गया। तो जब वो शुरू हुआ तब वहाँ पे जो थीम निकल के आया द वेरी फर्स्ट डे डॉक्टर गांधी गए वो बोले, तो उन्होंने भी बात यही थी कि हमें फैसले लेने का अधिकार स्टेट को होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए, तो फेडरलिज्म की बात तुरी और वहाँ पे खुद मुख्तियार पंजाब की बात तुरी। तो उस मोर्चे में कुछ चीज़ें जो डिफरेंट हैं, वहाँ पे कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे, वहाँ पे हम बैठे हैं और वहाँ पे रोज़ यूथ आता है, वहाँ से एक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक थॉट अमर्ज हो, एक चर्निंग प्रोसेस हमने शुरू किया है वहाँ पे, इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं, तो वो जो एक मैसेज हम देना चाहते हैं वहाँ से सारे देश को कि आओ हम इसके बियॉन्ड बात करें, तो वहाँ पे हरियाणा से भी आपको बता दूं कि पहुँचते हैं और आगे चल के हम कोशिश करना चाहते हैं कि ये सारे भारत से के स्टेट्स हैं जो रीजनल पावर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप देखें कि पिछले 70 साल से जब से हमारा अंग्रेज गए हैं तो हमारी आर्मी की मेजर पोर्शन ऑफ आवर आर्मी जो है वो स्टेट्स में काउंटर इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व रहती है, चाहता तो ये है कि आर्मी बॉर्डर्स पर हो लेकिन कभी वो पंजाब में इन्वॉल्व हुई, कभी वो असम में इन्वॉल्व हुई, तो और आप अगर सेंट्रल इंडिया की बात करो तो वहाँ पे जो मोस्ट प्रॉब्लम उठी हुई है वो भी सेंट्रलाइजेशन के तहत जो फैसले हुए हैं, गलत फैसले हुए हैं, जो हम सभी ये सोचते हैं शंभू मोर्चे पर कि वो सारा कुछ ओवर सेंट्रलाइजेशन से हुआ है, और हम वहाँ से एक जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे एक थॉट इवॉल्व करना चाहते हैं और सभी को होपफुली कि सारे देश से लोग वहाँ पे पहुँचें, जो रीजनल ग्रुप्स हैं सारे देश के, और एक कोई बेहतर सिस्टम को इवॉल्व हो सके, हमारी यही कोशिश है वहाँ से। जी 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 देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो एंड पेशेंटली एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ द इश्यूज अराउंड दिस 3 बिल्स, क्योंकि ये सारी जो इश्यूज है ये मेजॉरिटी ऑफ द जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको समझ नहीं आती है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से डील नहीं करनी पड़ती है, मंडी सिस्टम हो, MSP रेजिम हो, दे डोंट हैव टू डील विद दिस थिंग्स इन देयर डे टू डे लाइफ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर पेशेंटली यू नो लेइंग डाउन एवरीथिंग for our viewers and audience, and thank you so much. I hope to have you with us again in the future. Anju, धन्यवाद अंजुमन जी, आप हमारी farmers की और पंजाब की बात आगे पहुँचा रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सत श्री अकाल।